पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सभी अपने अपने प्रयास करते हैं। मैंने इस पर कुछ दोहों की रचना करी है, वो दोहे क्रमशः मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कवि अमृतवाणी का आपको प्रणाम। इन दोहों में जो आपको अच्छा लगे उसे अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, ताकि अच्छा मैसेज अच्छे लोगों में अच्छे ढंग से पहुंच सके। धन्यवाद। आज के अभी के इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच में एक दोहा पढ़ रहा हूँ। देखिए, जल को फिल्टर कैसे किया जाता है, पुरानी पद्धति में दोहे के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, सरल विधि जल फिल्टर की, चिकने पत्थर ले, बारिक बड़ी रेत से सूत साफ जल दे। जल फिल्टर की कुछ विधियां हैं, जिसमें एक सरल विधि इस प्रकार भी है। एक नली नुमा उपकरण लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर उबड़ खाबड़ पत्थर के टुकड़े उसमें रखे होते हैं, नीचे थोड़े से चिकने पत्थर होते हैं, उसके नीचे थोड़ी मोटी रेत होती, उसके नीचे बारीक रेत होती है, और सबसे नीचे सूत का कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है। इन सब से जो पानी छन छन करके नीचे आता है वह पूर्णतः शुद्ध जल होता है, जिसे एकत्र करके हम पीने के काम में ले सकते हैं, और हमारे जो आवश्यक कार्य है उसमें शुद्ध जल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, और ये शुद्धिकरण का एक सरल तरीका है, प्रकार का एक पुराना तरीका है। अब आजकल विभिन्न प्रकार के यंत्र बन गए, और उन यंत्रों के अंदर जो है वो जल को शुद्ध किया जाता है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती है, वो प्राकृतिक गुण उसमें नहीं रहते हैं, उसमें कुछ कमियां भी रह जाती है। लेकिन ये जो विधि है ये पूर्णतः प्राकृतिक है। तो ठीक है, जैसे भी आपके सुविधा अनुसार आपको अच्छा लगे, तो इस प्रकार हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, और शुद्ध किए हुए जल का हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।